सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया हरे राम जी, आपके हाल चाल कैसे हैं? हाँ हाँ बस बढ़िया ठीक है बढ़िया। सर। अच्छा अच्छा बढ़िया, आपको इधर देख के अच्छा लगा। जी जी आपका नौकरी कैसा चल रहा है हरे राम जी? संगम अच्छा अच्छा के चलो ठीक है, पास अच्छी बात है, बढ़िया। काम कैसा चल रहा है आपका? चलना ठीक है। अच्छा, आप अपनी नौकरी से खुश हैं? कुछ तो है ही सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, बढ़िया बात है। हरिराम जी, ये वाला जो है आपका, ये शायद आपने गौर भी किया होगा, मुझे लगता है कि रिपब्लिक ट्रॉफी जो है तीन पॉलिसी वाला आया हुआ है जनवरी में, 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। ये जो गणतंत्र दिवस का जो ट्रॉफी है, अशोक स्तंभ वाला जो ट्रॉफी है, ये वाला तीन पॉलिसी पर आया हुआ है और हम इसके बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। तो कोशिश हरिराम जी, किसी तरह का दिक्कत आ रहा है क्या कि जैसे आपका ये सेल होने में कोई किसी तरह का समस्या आ रहा है क्या? समस्या सर एक दो पॉलिसी थी, उसमें संजय को फोन ही नहीं उठाया, ना फोन उठाया ना बात हुई संडे फोन। को फोन? अच्छा देखिए, ये सब तो होता रहता है। हाँ ये सब तो होता रहता है कि हमें देखो क्या होता है कि भाई उस समय बाई चांस वो आदमी अवेलेबल नहीं होगा, या तो मान लीजिए उसको कोई दिक्कत होगा किसी तरह का, हो सकता है उसको कोई परेशानी हो, अवेलेबिलिटी हो। हमें क्या है कि देखिए, हमें ना ज्यादा लोगों को, अपन को पहले से लिस्ट के अंदर ज्यादा लोगों को रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि तो निर्भरता जो होती है ना, जब 2 ही लोगों पे 3 लोगों पे निर्भर हो गए भी बैठ जाते हैं ना, समस्या बन जाता है। तो हमें ज्यादा लोगों को अपन को ध्यान करके रखना पड़ेगा। मान लीजिए उन दोनों ने फोन नहीं उठाया, तो हमें ज्यादा तैयारी करके रखना पड़ेगा कि भाई वो दोनों यदि नहीं अवेलेबल है तो हम तीसरे को मिल सकें, चौथे को मिल सकें, पांचवे को मिल सकें, छठे को मिल सकें, है ना। अननोन को मिलने का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको यदि अननोन को मिलने का प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको अननोन को मिलने का प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। आप यदि यहाँ पर जब भी मेरे पास आएंगे, अननोन आदमी को, अनजान आदमी को मिलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा समय निकालें तो हम इस तरीके का काम कर सकते हैं। आप चाहेंगे अगली बार अननोन आदमी को मिलने का प्रैक्टिस करने का आपका इच्छा है? आप चाहेंगे कि अगली बार हम अनजान आदमी को मिलकर पॉलिसी देखने का कोशिश करें, ऐसा करके आपका इच्छा है प्रैक्टिस करने का? ऐसा लगता है कि हरिराम जी के आसपास में शोर बहुत ज्यादा है और शोर के कारण शायद हरिराम जी ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। रविराज किशोर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं कोई बात मैडम पैदल रविराज जी, गुड मॉर्निंग। ओके हरिराम जी, आपको आवाज आ पा रहा है क्या? हाँ मैं समझ गया, वो आपको जो हैंड्स फ्री केबल वाला जो आदमी है वो मिला क्या? देखिए ये वाला जो हैंड्स फ्री है, देखिए ये वाला जो है ये मैंने 500 रुपए में लिया है, ये वाला जो है ये 500 रुपए का आता है, इसको बोलते हैं ब्लूटूथ वाला हैंड्स फ्री हेडसेट। ये वाला जो है इसको कान में लगाते हैं तो बाहर का बिल्कुल भी आवाज नहीं आता है। ये देखिए इधर से ये ऐसा है, इस तरीके से ये इसे अंदर क्या होता है, इसको कान में लगा लेते हैं तो ब्लूटूथ के द्वारा आवाज आता है और आपको किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होता है, आपको इधर का आजू बाजू का आजू बाजू आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और आपको कोई भी तार लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, बिना तार के आप आसानी से सुन सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। हाँ लेकिन तार वाला भी आप लेंगे, वो तार वाला भी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आ जाता है। रविराज जी आपको बोलना चाहेंगे? रविराज जी जो है अभी सोने के मूड में हैं, बोलने के मूड में शायद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नरेंद्र पाल जी, गुड मॉर्निंग। फिर से
कल तो जल्दी हमारी मैं हरिराम जी को म्यूट कर देता हूँ। मैंने हरिराम जी को म्यूट कर दिया है, मुझे लगता है कि शायद मैंने हरिराम जी को म्यूट कर दिया है जिससे उनका शोर जो है, हाँ यस मैंने उनको म्यूट कर डाला है। तो इससे फायदा क्या हुआ है कि आवाज यहाँ पर जो है, आवाज का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। सो नरेंद्र पाल जी, अभी आपको आवाज ठीक से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। बढ़िया बढ़िया रविराज जी, नमस्कार। कैसे हाल चले आपके रविराज जी? बस बढ़िया सर। भगवान जी को प्रणाम। आपके बैकग्राउंड में भगवान जी हमको नजर आ रहे हैं, क्या देवी माता है कि क्या है वो सब नहीं पता लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद भगवान जी हैं। गणेश जी हैं, गणेश जी सर। गणेश जी हैं, अच्छा चलो ठीक है, नहीं पता लग रहा था कैमरे में। तो खैर भगवान जी को, गणेश जी को वंदना, गणेश जी को प्रणाम। गणेश जी हम सभी का दिन आज का बहुत ही शानदार बनाए और हम सभी का पॉलिसी आज बिकवा के दें। तो गणेश जी से ये हमारा निवेदन है। बढ़िया। तो आप कुछ अविराज जी कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपना एक्टिविटीज के बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आपका? हाँ जी सब ठीक है सर। आपका दिन कैसा रहा, कल का दिन कैसा रहा? ओके, क्या नया ताजा रहा, कुछ आप बताना चाहेंगे? कल का दिन ठीक रहा सर, गया था मिल के आया। ओके ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बात करने में? आपका जो मीटिंग्स हैं वो लंबी तो नहीं हो रही हैं? आपका जो मीटिंग है लोगों को जल्दी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग आपको ज्यादा टाइम लगा रहे हैं समझने में, या तो फटाफट पैसा निकाल के देते हैं लोगों से आपको? वो तो एक प्रोसेस है सर, किसी में ज्यादा जल्दी होता है, किसी में बहुत देर होता है, ये तो प्रोसेस चलते रहता सर। जब आप काम करते रहते हैं धीरे धीरे रिजल्ट भी आते रहते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है, रिजल्ट कहीं पर जल्दी आता है, कहीं पर लेट आता है, ये तो प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा हम कोशिश ये कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को मिल सकते हैं, जिससे हमारा प्रोसेस का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे कि हमें, यदि मान लीजिए, भाभी जी को नमस्कार, पीछे से भाभी जी भी मुझे नजर आ रही हैं, तो भाभी जी को नमस्कार। कई दिनों के बाद भाभी जी के दर्शन हुए हम, और अच्छा लगा भाभी जी को देखकर, अच्छा लगा। पर्सनली ऑफिस के अंदर ना सही, पहले तो ऑफिस के अंदर रेगुलर आती थी तो मुलाकात हो जाता था, तो आमने सामने ना सही तो जूम पर सही। सो रिपब्लिक डे जो ट्रॉफी है वो तीन पॉलिसी पर हमारी टीम में बहुत सारे साथियों का हो चुका है, नरेंद्र पाल जी का भी हो चुका है। नरेंद्र पाल जी इस समय मीटिंग के अंदर अवेलेबल हैं, उनके पास वो टाइम का थोड़ा सा समस्या था, टाइम का थोड़ा सा उनका क्लैश हो रहा था, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आए, इसके लिए उनका धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला यहाँ पर आने का। और मैं समझ सकता हूँ सुबह की मीटिंग के अंदर आना एक मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन यदि हम उन लोगों को देखें जो कि सुबह के समय अपने घरों से निकल जाते हैं, जैसे हम स्कूल के स्टूडेंट्स को देखें, या तो हम नौकरी वालों को देखें, या दुकान देखें, या तो अखबार डालने वालों को देखें, सुबह सुबह काम पर निकलने वाले ढेर सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बहुत सारे लोग सुबह काम पर हैं। और LIC एजेंसी में ना चलने का एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा वजह ये भी है, सुबह सुबह काम पर नहीं निकलना, या तो सुबह सुबह ये नहीं पता होना कि आज क्या करना है, इस वजह से हमारे एजेंसी के अंदर कई बार दिक्कत खड़ा हो जाता है। जितने भी टॉप एजेंट्स आप देखेंगे वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह, उनको पक्का पता है कि सुबह हमें कितने बजे क्या करना है, वो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं। तो सुबह सुबह एक ये खतरा रहता है कि यदि हम सुबह का कोई अपॉइंटमेंट सेट करके ना रखें, यदि हम ये डिसीजन लेकर ना रखें कि हाँ मुझे 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे क्या क्या करना है, तो हमारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अनजान छोटे छोटे ऐसे बेकार के कामों में चला जाता है कि बाद में हमें पता लगता है अरे भाई नतीजा तो कुछ निकला नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना के प्लानिंग करके रखना पड़ेगा जिससे कि हमारे दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए। सो रविराज जी, ट्रॉफी का समय आपके लिए गुड न्यूज है। नरेंद्र पाल जी तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, यहाँ पर नरेंद्र पाल जी बैठे हुए हैं तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, नरेंद्र पाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका जो है ट्रॉफी के लिए,
जी आपका नरेंद्र जी, ट्रॉफी का यात्रा आपकी कैसी रही, कैसे आपने क्वालिफाई किया, आपको कैसा महसूस हुआ क्वालिफाई करने के बाद? ट्रॉफी की यात्रा सर, वो तो बड़ी यात्रा नहीं थी सर, वो तो आसान हो गया सर। आसान हो गया सर, आपका आशीर्वाद था सर। आसान हो गया सर। अच्छा अच्छा, वो तो हमेशा ही रहता है। आपके लिए अभी SDM ऑनरिंग अवेलेबल है, सीनियर डिवीजन मैनेजर की तरफ से ऑनरिंग आपको रिपब्लिक डे का जो फंक्शन, गणतंत्र दिवस का जो फंक्शन रहेगा, तो वहां पर आपको ऑनरिंग किया जाएगा 6 पॉलिसी पर। अभी फिलहाल जो ब्रांच के अंदर मैं समझता हूँ तकरीबन 22 या 23 एजेंट ने 6 से ऊपर पॉलिसी कर लिया है, तो हमारे पास 20 ट्रॉफीज आई थी, वो 20 ट्रॉफी उन 20 एजेंट्स को दे दी गई हैं। अभी जो हमने जो सोमवार को जो फंक्शन किया था 3 बजे, तो उस समय तक मेरे ख्याल से तकरीबन 21 या 22 एजेंट्स ने क्वालिफाई किया था। तो जो भी उस मीटिंग के अंदर आए थे सभी को गणतंत्र दिवस का ट्रॉफी दे दिया गया था। बाकी उसके बाद फिर बाद वालों का नंबर फिर उसके बाद आएगा। अभी मुझे लगता है ब्रांच में अभी शायद 112 या 113 एजेंट ने क्वालिफाई किया है ट्रॉफी, तो बाकी की ट्रॉफी 20 ट्रॉफी हमारे पास आई थी, 20 ट्रॉफी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। 20 में से एक या दो शायद सैंपल के लिए रखी हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। और बाकी की ट्रॉफीज भी अभी बहुत जल्दी आने वाली हैं, बाकी की भी आपकी भी ट्रॉफी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन बढ़िया तरीका शायद एक ये रहेगा कि एक टीम के बाद में जो SDM की तरफ से जो ऑनरिंग वाला है सिस्टम, शायद ऐसा हम कुछ करें तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी अच्छा लगेगा। व्यू बढ़िया लगे सर, अच्छा लगे। आपको यदि गणतंत्र दिवस है ना, गणतंत्र दिवस फंक्शन के अंदर वहां पर SDM की तरफ से वहां फंक्शन के अंदर आपको ऑनरिंग किया जाएगा, तो वहां पर आपको और ज्यादा पसंद आएगा। बल्कि मुझे तो ये अच्छा लगता है कि आपका 6 हो जाती तो अभी तक तो ट्रॉफी आपके घर में पहुंच चुकी होती। खैर कोई बात नहीं, जो भी वजह रहा उसका, जो भी रीजन रहा, कोई बात नहीं। फिलहाल आपके पास मौका अवेलेबल है, आज तो 20 तारीख हुई है, अभी भी आपके पास समय अवेलेबल है। भले ही एक ही आदमी की 3 पॉलिसी करें, भले ही अलग अलग पॉलिसी करेंगे तब भी चलेगा। पैकेज सेल भी इसके अंदर अवेलेबल है, अलाउड है, वो भी आप कर सकते हैं, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं, जिससे कि आपका कुछ मदद किया जा सके, कुछ तरीका निकाला जा सके, जिससे कि आपका जल्दी क्वालिफाई हो सके। हमारे पास एक ये 3 नंबर पर एक और मैंने आपको लिख के भेजा है, ₹500 का एक एक्स्ट्रा प्राइस आपके लिए अवेलेबल है यूनिट लिंक पॉलिसी के ऊपर, नॉर्थ जोन की तरफ से यूनिट लिंक पॉलिसी के ऊपर। यूनिट लिंक पॉलिसी एक ऐसी चीज है, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है हमारे पास। FD कल भी हमारे प्रकाश रंजन जी ने एक FD किया था, ₹1,00,000 का FD किया था, 5 साल का FD। तो 5 साल के FD का फायदा क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने शॉर्ट ड्यूरेशन का अंदर करना है, हमें कम समय का करना है। तो कम समय का करने वाले जितने भी लोग हैं उनको 5 साल का FD बोला जा सकता है कि हाँ ठीक है, आप निवेश प्लस में कर लीजिए। LIC के पास आज की डेट में यूनिट लिंक में टोटल नंबर ऑफ फंड्स कितने हैं, आप में से कौन बताएंगे? नंबर ऑफ फंड्स, कितने तरीके के फंड LIC के पास अवेलेबल हैं जो फंड LIC मैनेज करती है, कौन बताएंगे? अपना माइक को ऑन करें यदि आपको ऑन नहीं है, और ऑन करके बताएं। मालूम नहीं सर। हाँ जी, मालूम नहीं। ओके, और मालूम नहीं। रविराज जी या तो हरिराम जी बताएंगे हमारे पास यूनिट लिंक के टोटल कितने फंड्स हैं अभी फिलहाल? आप अपना माइक ऑन करें और ऑन करके आप बताएं कितने फंड्स हमारे पास, कितने तरीके के फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं अभी फिलहाल यूनिट लिंक के। नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास फिलहाल इस समय 64 अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, 64 तरीके के फंड्स हैं। 64 तरीके के फंड्स का मैंने आपको PDF भेजा हुआ है, यदि आप यूनिट लिंक के फंड को अपने ग्रुप के अंदर सर्च करें, आप व्हाट्सएप के अंदर करेंगे तो 64 फंड्स का पूरा PDF आपको LICIndia.in पर भी यदि आप देखेंगे हर महीने वहां पर पूरा का पूरा PDF के अंदर मंथली परफॉर्मेंस एक फंड की डाली जाती है। उसके अंदर यह होता है कि किस फंड LIC में कितना था, किस फंड की रिटर्न कितनी आई, पिछले 1 महीने में कितनी रिटर्न आई, पिछले 6 महीने में कितनी रिटर्न आई, पिछले साल में कितनी रिटर्न आई, पिछले 3 साल में कितनी रिटर्न आई, पिछले 5 साल में कितनी रिटर्न आई, पिछले जब से वो फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक की रिटर्न कितनी आई है, उसका पैसा कहाँ कहाँ लगा रखा है, वो कितने पे खुला था, वो मेरे आगे थे,
सिक्योरिटी गार्ड ने कहा भाई साहब आप साइड में हो जाइए, इनको सर को जाना है। तो मैं चला तो गया, मैंने सोचा यार ये साथ में ये भी आए तो अच्छा रहेगा यार। एनीवे वो भी ऊपर आए। अभी ऊपर आते आते मैंने उनसे पूछ ही डाला आखिरकार, मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बताइए, बस इतना बोलना काफी होता है। तो मैंने उनको पूछा हाँ जी भाई साहब बताइए, वो कहते हैं हाँ जी ये मैच्योरिटी के पेपर जमा करने हैं। मैंने कहा आ जाओ, मैच्योरिटी के पेपर जमा करने के लिए मेरी ही टेबल पे जमा होते हैं, आ जाओ। मैंने आया बताया, मैंने उनको सेम प्लान बताया, 500 रुपए रोज भरो आपको इसके अंदर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब मेरे को पसंद था ये वाला प्लान, मुझे लगा कि शायद ये वाला प्लान उनको मैच करेगा, नहीं किया। वो कहता नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। जब क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता है इसका मतलब वो लेगा। तो उन्होंने बोला ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मेरे को पक्का पता लग गया कि ये लेगा तो जरूर, लेकिन 500 रुपए पर डे वाला नहीं लेगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सर 400 रुपए पर डे भरो 80 लाख मिलेंगे। नहीं नहीं ये भी ज्यादा है। मैंने कहा सर 300 रुपए पर डे भरो 60 लाख मिलेंगे। खैर फाइनली उस आदमी ने एग्री किया कि 100 रुपए पर डे भरेंगे 20 लाख मिलेंगे। तो खैर ये वाला प्लान उसको पसंद आया। तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है, हमने जो प्लान बताया सब जो आपने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल जो भी प्लान आप बता सकते हैं आपने बता रहा, लेकिन अभी क्लाइंट को लगता है नहीं नहीं यूनिट लिंक में पैसा लगाना चाहिए, नहीं नहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, नहीं नहीं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अब क्लाइंट का मन कुछ और है, क्लाइंट का मन है चलो कैंसर प्लान में लगाना चाहिए। चलो कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा है उसको हमने एक प्लान बताया, दो बताया, तीन बताया, चार बताया, उसको चारों पसंद नहीं आया, पहला पसंद नहीं आया, दूसरा पसंद नहीं आया, तीसरा पसंद नहीं आया। अब फाइनली अब हम क्या करते हैं उसको ऐसा बताते हैं कि जो किसी को नहीं पता, और उसको वो पसंद आ जाता है। मेरे पास कल एक भाई साहब आए, वो डी रूम में उन्होंने एंटर किया, वो इधर उधर की नेम प्लेटें पढ़ने लग गए, पोस्टर पढ़ने लग गए, नोटिस बोर्ड पढ़ने लग, सब कुछ पढ़ते रहे। मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं सब कुछ छोड़। अभी क्या होता है नया आदमी कभी भी डी रूम में एंटर करता है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको ही देखता रहता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, उसी को देखता हूँ। अच्छा फिर वो जैसे ही हल्का सा उसका थोड़ा उसका नजर इधर होता है, मैं बुला लेता हूँ, बुला लिया। मैं कहा हाँ जी सर बताइए, इतना ही बोलना होता है और कुछ नहीं बोलना होता है। हाँ जी सर बताइए, आप किसी भी एलआईसी के दफ्तर में घुसो एक ही डायलॉग बोलना है, हाँ जी सर बताइए बस, फिर वो सब कुछ बता डालता है। तो आपको क्या करना है, अब मैंने उसको क्या बोला, हाँ जी सर बताइए, कहता ये जीवन शांति क्या है। मैंने कहा सर बैठ जाइए, बैठ गया। मैंने कहा सर जीवन शांति के बारे में वो कैश काउंटर पे लिख के लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छा पढ़ा आपने सर, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, कितना रुपये लगाना चाहते हैं। कहते 1 लाख। एक लाख तक होता नहीं है जीवन शांति। कहते कितने का होता है मिनिमम, 1.5 लाख। बताया उसको, फिर वो उस जीवन अक्षय पूछने लग गया, तो वो बताया, फिर वो बढ़ते बढ़ते 5 लाख पे चला गया कि अच्छा चलो 5 लाख पे लगाऊंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा चलो ठीक है और कोई प्लान। तो ये ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, अब पहला प्लान उसको पसंद नहीं आया शांति, मैंने अक्षय बताया चलो ठीक है 1 साल बाद पेंशन ना सही, अगले महीने से पेंशन सही, वो नहीं पसंद आया, वो जाने लगा। छोड़ो ना सर क्या है, प्रधानमंत्री होना ये वाला लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ, ऐसा थोड़ी ना है कि खाली कुछ नहीं लेके जाओगे। तो आदमी को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बताने से, अभी समझो यूनिट लिंक हमने बताया, अब जो कल हमने 1 लाख रुपए का जो यूनिट लिंक का जो प्लान हमने जिसपे पॉलिसी नंबर लगाया है, जो प्रकाश रंजन जी ने उसके अंदर क्वालिफाई किया है, 2 पॉलिसी 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्राइस है, तो आदमी का नहीं पता लगता। ये वाला आदमी और कोई पॉलिसी लेने वाला नहीं था, ये वाला आदमी यही वाला पॉलिसी इसको पसंद आया, ठीक है जो पसंद आया। अब हमको वो वाला पॉलिसी थोड़ी बेचना है जो हमको पसंद है, हमें तो वो बेचना है जो क्लाइंट को पसंद है। ठीक बात, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में, इस टॉपिक पर, या तो सही बात किसी भी बारे में? सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा सर, सही कहा सर आपने, सही कहा। क्लाइंट को सर वही जो सर पसंद आया सर वही चीज देना चाहिए क्लाइंट को, अच्छी बात है सर, वो भी राजी रहेगा, हैप्पी रहेगा और लोगों को बताएगा जी। एलआईसी एजेंट के लिए एक स्पेशली गाना भी बना है, एक बॉलीवुड के अंदर जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर एक स्पेशल एक गाना बनाया गया था, और वो स्पेशल एलआईसी एजेंट्स के लिए बनाया गया था, और उस गाने के बोल थे क्या थे आप बता सकते हैं कोई? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया सर, याद आ गया। तो हमें क्या करना है, जो क्लाइंट को पसंद है वही बात करनी होती है, वो वाली बात करते हैं तो सेल हो जाता है, वो वाली बात नहीं करते हैं तो सेल नहीं होता है। सो
आज का हमारा चौथा टॉपिक है व्हाट आर योर डेली टारगेट। आज के आपके रोज के टारगेट क्या हैं, आज आपके क्या क्या टारगेट हैं, आज आपका क्या क्या शेड्यूल है, आज आपका क्या क्या प्लानिंग है, आज आपने क्या क्या डिसीजन लिया है, आज आपने कोई डिसीजन लिया है नहीं लिया है, लिया सर, क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, आप अपनी कोई प्लानिंग आज के बारे में बताना चाहेंगे। आखिरी के 2 मिनट बचे हैं, आखिरी के 2 मिनट में आप अपनी कोई भी प्लानिंग बताना चाहें, आपका टारगेट बताना चाहें, बताएं। सर आज की सर 3 अपॉइंटमेंट हैं और 3 अपॉइंटमेंट सर वो कंप्लीट करूंगा और सेकंड सर एटलीस्ट सर 20 लोगों सर कॉल करना है सर, 20 नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है और उनमें से सर 20 प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हुए सर उधर से एरिया सर निकलता है सर, वहाँ पे कुछ कलेक्शन भी कुछ करना है सर, कुछ क्लाइंट हैं, ओल्ड क्लाइंट हैं मेरे, उनके कलेक्शन भी करना है जी। और सर मेजर जो सर प्लानिंग दिमाग में सर लेके चल रहा हूँ, टारगेट लेके चल रहा हूँ सर, इनमें से सर आज एटलीस्ट सर 2 लोगों का तो सर फॉर्म भर के लाऊंगा, जिसमें सर प्लान लेके चल रहा हूँ सर 1 लाख रुपए एटलीस्ट लेके, 1 लाख रुपए। बढ़िया बढ़िया, ऑल द बेस्ट। भगवान करे कि आप जो है आपका ये पूरा लक्ष्य हो, आज का टारगेट आपका जरूर पूरा हो। और कोई साथी बताना चाहेंगे, रविराज जी या तो हरिराम जी कुछ आप बताना चाहेंगे, आपका टारगेट क्या है? हरिराम जी आपको अपना माइक यदि ऑन करेंगे तो आप बोल पाएंगे, या तो रविराज जी आप कुछ बताना चाहेंगे आप अपने टारगेट के बारे में, या तो हमारा वैसे भी आखिरी का 1 मिनट बचा है, यदि आप बताना चाहेंगे। पॉलिसी नंबर घर बैठ के लगाना, ये हमारा छठा टॉपिक है आज का, तो घर बैठ के पॉलिसी नंबर क्या आप लगाना चाहेंगे, क्या आपकी इच्छा है कि घर बैठे आप अपने डेस्कटॉप पर या तो लैपटॉप पर खुद ही पॉलिसी नंबर लगा सकें, आपको ना तो फॉर्म भरना पड़े ना तो तो ये वाला फैसिलिटी आनंदा मॉड्यूल अवेलेबल है ऑलरेडी, इसके अंदर हजारों पॉलिसी नंबर लग चुके हैं, हर रोज सैकड़ों हजारों पॉलिसी नंबर इसके अंदर, एजेंट लोग इसके अंदर पॉलिसी नंबर सिर्फ एजेंट लगा सकते हैं, सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो आप यदि लगाना चाहेंगे lacindia.in ओपन करिए, और डेस्क या लैपटॉप से ओपन करना है क्योंकि फोन पर ये नहीं चलता है, वहां से ओपन करना है, आनंदा मॉड्यूल ओपन करके एक्टिवेट कर लीजिए, वहां से आपको पॉलिसी नंबर जो आप लगाना चाहते हैं आप घर बैठे लगा सकते हैं, ना तो आपको प्रपोजल फॉर्म जो है 300 नंबर का कागज वाला फॉर्म भरना है, ना तो आपको एजेंट रिपोर्ट कागज वाली भरनी है, ना तो आपको इसके लिए फोटो लेनी है, ना तो आपको आधार कार्ड का प्रिंट लेना है, ना तो आपको इसके लिए पैन कार्ड का प्रिंट लेना है, ना तो आपको चेक लेना है, ना तो कैश लेना है, ना तो पैसा ट्रांसफर कराना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ कंप्यूटर पे टाइपिंग करते रहना है, बस वहीं पे सब कुछ होता रहेगा, क्लाइंट से बार बार ओटीपी मांगते रहना है, सर ओटीपी दो ओटीपी दो ओटीपी दो, उसके बाद बार बार 10 बार ओटीपी जाता है, अलग अलग चीजों के लिए 10 बार ओटीपी जाता है, 10 बार ओटीपी 10 अलग अलग चीजों के लिए उसका कंसेंट मांगते हैं, तो बस उसका ओटीपी मांगते रहना है, ओटीपी डालते रहना है, ओटीपी डालते रहना है, ओटीपी डालते रहना है, पॉलिसी नंबर लग जाता है, एफपीआर आ जाता है, पॉलिसी बॉन्ड उसी समय आ जाता है, क्लाइंट को उसी समय चला जाता है। तो प्रोग्राम है, आप यहाँ पर आए, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? बहुत बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा समय हमारा सर, आपने सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया, चलो दैट्स वेरी नाइस, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुआ, सुबह सुबह आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच, एंड मुझे लग रहा था कि आज का कमिटमेंट का सेशन है IOE का 7 बजे से 9 बजे का, शायद आज का प्रोग्राम के साथ क्लैश करेगा, लेकिन क्लैश नहीं किया, ये वाला भी हो पाया, वो वाला भी हो पाया, एंड हम कल सुबह दोबारा से मिलेंगे, कल के प्रोग्राम के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी रखा जा सके, जिससे कि एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ बताइए सर, टाइम थोड़ा सा प्लीज सर, कल ही सर अगर 10 बजे से सर हो तो सर वो बेस्ट है, या सर जो 8:30 हो जाए और जल्दी कर लेंगे, 10 बजे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज्यादा 10 बजे बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, थोड़ा जल्दी 8:30 भी तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो का ध्यान रखना जरूरी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा साथी इसके अंदर ज्वाइन कर सकें, तो कोशिश करेंगे थोड़ा इसको और जल्दी करने का, थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करेंगे, सो विश यू ऑल द बेस्ट, दोबारा से मुलाकात करेंगे कल सुबह की मीटिंग के अंदर, कल हम 9:15 से 9 बजे कर लेते हैं, इतना किया जा सकता है, तो थोड़ा सा और जल्दी किया जा सकता है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू टुडे, शब्बा खैर, बाय बाय सर, बाय बाय।